हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस आज क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर सब्सटेंसेस को कितने पार्ट में बांटे गए हैं तो ये तीन भागों में बांटे गए हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं माने बहुत ही कम तथा शक्तिशाली चुंबक के पास लाने पर प्रतिकर्षित होते हैं तो मटेरियल विच आर फीबली मैग्नेटाइज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में वाह्य चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके विपरीत दिशा में हल्के से थोड़ी सी ये चुंबकित होते हैं ये इनके एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड सिल्वर कापर जिंक लेड बिस्मत मरकरी डायमंड मार्बल ग्लास सिलिकॉन क्वार्ज, वाटर अल्कोहल एयर हीलियम, आर्गन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा अब ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म तो डाई मैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन जो है ये पेर में एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों जो है दोनों की जो डायरेक्शन है मूव करने की वह अपोजिट स्पिन अपोजिट होती है तो यहां पर ये दिखाया गया है फिगर के माध्यम से कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ये देख रहे होंगे कि ये एंटी क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो जो एंटी क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा यह इस प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर होगा इसी तरह से जो ये क्लाकवाइज घूम रहा है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है यह ऊपर की ओर होगा अब ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट हैं देयर फोर दे कैंसिल टू ईच अदर इसका मतलब हो गया कि डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वह जीरो है कब जब इस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगी है या किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे गए हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बीज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन यहां पर देखिए ये जो क्रॉस साइन है ये शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में अंदर की तरफ है ये क्रॉस साइन शो कर रहा है अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखें तो यह इलेक्ट्रॉन जो भीवन वेग से वेलासिटी से क्लाक एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में यह घूम रहा है इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है जो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इक्वल्स टू क्यू भी बी साइन थीटा होता है तो एफ एम इक्वल्स टू माइनस ई भी क्रास बी और इससे एफ एम इक्वल टू ई भी तो यह जो मैग्नेटिक फोर्स है यह मैग्नेटिक फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगेगा और यह फोर्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ और इस पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बाहर की तरफ तो इसका जो नेट फोर्स है वह घट जाएगा और जब नेट फोर्स घट जाएगा तो इसका जो वे वेलासिटी है वह वेलासिटी भी घट जाएगी तो अगर हमें मान लेते हैं कि इसकी वेलासिटी पहले वी ओ थी तो अब इसकी वेलासिटी कितनी है तो ये वी वन इक्वल्स टू वी ओ माइनस डेल्टा भी सपोज कर लिया कि डेल्टा भी घट गया अब दूसरे के लिए देखें जो एंटी क्लाक के साथ साथ ये दूसरा वाला जो क्लाक रोटेट हो रहा है तो इस क्लाक में जो इसका मैग्नेटिक फोर्स है वह सेंटर की ओर लग रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स अब नेट फोर्स सेंटर की तरफ बढ़ गया जब नेट फोर्स बढ़ गया तो अब इसकी वेलासिटी भी बढ़ जाएगी जो वेलासिटी बढ़ेगी तो वी वी टू इक्वल्स टू वी नाट प्लस डेल्टा v ये v2 है यहां पर ये v2 है v2 टू इक्वल्स टू वी प्लस डेल्टा v ये दूसरे का हो गया तो अब इस वेलोसिटी की वजह से होगा क्या देखें ये v1 वन इक्वल्स टू वी माइनस डेल्टा v से ये रोटेट हो रहा है तो अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई जब वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि आप एम या म्यू इक्वल्स टू ई वी आर बाई टू कहते हैं वह बेलासिटी पर डिपेंड करता है तो इसकी बेलासिटी डिक्रीज हो गई है डेल्टा भी से तो मैग्नेटिक मोमेंट को हमने सपोज कर लिया कि यह डेल्टा एम से डिक्रीज हो गया जो कि डायरेक्टेड था डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थात ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था एम माइनस डेल्टा एम जो कि बी की डायरेक्शन में है सेकेंड वाला जो क्लाक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इसकी वेलासिटी बढ़ गई इसकी वेलासिटी जब बढ़ गई तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वह भी डेल्टा एम से बढ़ गया और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड है तो अब इसका जो मोमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट है यह एम प्लस डेल्टा एम ऊपर की तरफ और इसका नीचे की तरफ तो जो डिफरेंस होगा वह डिफरेंस क्या होगा कि देयर फॉर द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आइटम m प्लस डेल्टा m माइनस एम माइनस डेल्टा m अब m जो है कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा m डेल्टा m मिलकर m दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह नीचे की ओर है और यह ऊपर की तरफ है अर्थात डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज हुआ और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज हुआ तो ये इसकी जो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के ही दिशा में मतलब कि जो वाह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में मामूली से हल्के से चुंबकित हो जाते हैं और शक्तिशाली चुंबक के पास लाने पर आकर्षित होते हैं द मटेरियल विच आर फीबली मैग्नेटाइज इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वह मटेरियल मैग्नेटाइज होते हैं तब ये फ़ीबली, मैंने कम मामूली से मैग्नेटाइज होते हैं तब हम उसे कहते हैं कि वह पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं एल्यूमिनियम क्रोमियम मैग्नीज, प्लेटिनम कैल्शियम एंटीमनी, सोडियम लिथियम मैग्नीशियम नाइबोनियम टंगस्टन कापर क्लोराइड साल्ट सोलूशन ऑफ आयरन एंड निकिल लिक्विड ऑक्सीजन क्राउन ग्लास ये सब एग्जाम्पल्स जो है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस के हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में भी जो है ये डाई पैराफेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के दो एलिमेंट्स के नाम पूछे जाते हैं अब इसकी इलेक्ट्रॉन थ्योरी देखें तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरा मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आइटम्स आर कंसीडर्ड टू हैव आर्बिटल मोशन एज वेल एज स्पिन मोशन अराउंड देयर एक्सिस आपको पता ही है कि यह एक्सिस में तो घूमते ही हैं यह रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ लेकिन अपनी जगह पर भी ये राउंड करते हैं वेक्टर सम ऑफ दीज डिसाइड द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो इस तरह से इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है दोनों के मोशन से डिसाइड होता है अर्थात जो सर्कुलर मोशन होता है उसके थ्रू और जो इनका स्पिन मोशन होता है उसके थ्रू दोनों से ही डिसाइड होता है तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल हैेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोवमेंट बट ड्यू टू थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर द एटमिक डाइपोल्स आर ओरिएटेड इन रैंडम फैसन and they cancel the magnetic moment of each other hence uh, paramagnetism have no magnetic behavior property when they are kept at room temperature in absence of any magnetic field जब वह किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में नहीं रखे गए हैं तो मेनली उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वह जीरो होती है अब जैसे देखें आप इसमें दिखाया गया है कि ये इधर मूव कर रहा है ये इधर इधर इस तरह से ये एच जीरो जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है यह यहां पर जीरो है तो यह रैंडम है जब रैंडम है तो इनका जो वेक्टर सम निकालते हैं तो यह जीरो हो जाता है लेकिन जब इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है बट वेन दे आर केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एटमिक डाइपोल ट्राई टू अलाइन देम सेल्व इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड तो इनके जो डाइपोल्स हैं वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होना चाहते हैं बट एट आर्डिनरी टेम्परेचर एंड फील्ड फेल्स टू अटेन सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट सो सैंपल वीकली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लेकिन ये सभी के सभी जो आइटम्स हैं वह सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट मतलब कि सबके सब एक ही डायरेक्शन में नहीं हो पाते हैं जब यह आर्डेनरी टेम्परेचर पर होते हैं तो इसी वजह से यह मैग्नेटाइज तो होते हैं एक्सटर्नल फील्ड में लेकिन बहुत ही कम इस पर पैरामैग्नेटिज्म में क्यूरी ला है क्यूरी ला क्या है इट स्टेट्स दैट मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरा मैग्नेटिक मटेरियल इज यूनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इन अदर वर्ड्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक सबिलिटी काई एम ऑफ ए पैरा मैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ऑफ द मटेरियल ये ग्राफ देख रहे होंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी और वन बाई काई एम के बीच एक ग्राफ खींचा गया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है अब यह क्यूरी ला है तो क्यूरी ला में एक कहा गया है कि जो इसकी मैग्नेटाइजेशन आप पैरा मैग्नेटिक मटेरियल मतलब मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेट जो मटेरियल था उस मटेरियल को हम एक्सटर्नल फील्ड में जब रखें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आने की जो प्रॉपर्टी है वह उसकी मैग्नेटाइजेशन है तो वह जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर कम होगा तो उसमें मैग्नेटाइजेशन अधिक होगा तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आई ये होता है सी बी नाट बाई टी सी क्यूरी कांस्टेंट बी नाट फील्ड है इनिशियल स्टेट में टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और बी नाट और एच में एक रिलेशन होता है बी नाट इक्वल्स टू म्यू नॉट एच तो इससे जो है बी नाट के जगह पर ये म्यू नाट एच पुट कर देंगे तो आई इक्वल्स टू सी म्यू नाट एच बाई टी तो आई बाई एच इक्वल्स टू म्यू नाट सी बाई टी और आई बाई एच जो है यह काई एम होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है तो अब आई बाई एच की जगह पर हो गया काई एम दैट इज म्यू नाट सी बाई टी म्यू नाट और सी ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इस तरह से काई एम प्रोपोर्शनल वन बाई टी अर्थात काई एम जो है एब्सल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपको एक एग्जाम्पल बताएं कि ये लो टेम्परेचर पर ये जो है लो टेम्परेचर पर काम करता है तो लो टेम्परेचर पर काम करने से क्या तात्पर्य है इसका मतलब यह है कि अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कंप्लीट ओनली वेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए बहुत ही लार्ज होनी चाहिए एंड टेम्परेचर इज वेरी लो जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो क्रोमियम पोटेशियम एलम साल्ट क्रोमियम पोटेशियम एलम साल्ट है ये है ये नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट मैग्नेटाइज होता है कब जब इसे फिफ्टी थाउजेंड गास मैग्नेटिक फील्ड और वन पॉइंट थ्री कैलविन टेम्परेचर पर रखा जाता है तो अब आप देख रहे होंगे कि 1.3 पॉइंट थ्री टेम्परेचर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के पास लाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं तो आप यह जाने कि जो पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी थी वही पूरी प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली होती है तो द मटेरियल विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन स्टील कोबाल्ट मैग्नेटाइट एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरिक्लोराइड एंड एलॉयज लाइक एलनिको एलनिको स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम निकिल और कोबाल्ट का जो मिश्रण होता है जिससे कि इस एलाय से हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं इसमें डोमेन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है तो सबसे पहले आप यह जाने कि डोमेन क्या होता है डोमेन इज ए स्मॉल रीजन फाउंड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स टेन टू पावर 17 टू 10 टू द पावर 21 एंड वॉल्यूम ऑफ डोमेन्स आर वेरी वेरी स्मॉल दैट ऑर्डर ऑफ टेन टू दावर माइनस एटीन मीटर क्यूब किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो टेन टू दावर सेवनटीन से लेकर के टेन पावर ट्वेंटी वन इलेक्ट्रॉन का आइटम्स का एक ग्रुप हो जाता है बनता है और वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं तो इस तरह से बहुत से डोमेन बन जाते हैं जिनका आयतन वॉल्यूम बहुत ही कम होता है जो कि इसमें दिखाया गया जैसे टेन पावर माइनस एटीन मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन ऑफ वन आइटम आल्सो इंटरेक्ट विध इलेक्ट्रॉन ऑफ नियर बाईट इन ए स्पेशल वे विच इज नोन एन एक्सचेंज इंटर आर यानी यहां पे कहा गया है कि जो डोमेन के एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे डोमेन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट और रिपेल भी कर सकते हैं अपने साथ साथ तो इसमें जो एक्सचेंज की प्रॉपर्टी है इस एक्सचेंज इंट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी उसी को हम कपलिंग भी कहते हैं दिस इफेक्ट अरेंजेज द आइटम्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड ईच डोमेन बिहेव्स लाइक ए स्मॉल मैग्नेट ऑफ सम डाइपोल मोमेंट तो इस तरह से ईच एंड एवरी डोमेन बिहेव्स लाइक ए डाइपोल मोमेंट एलाइंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे इसके डोमेन बनते हैं वह डोमेन का एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट होता है और वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं वेन देर इज नो एक्सटर्नल फील्ड ऑल द डोमेन्स आर सो ओरिएंटेड दैट नेट फील्ड इज जीरो लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फील्ड उस पर अप्लाई नहीं की जाती है तो सभी डोमेन के जो आइटम्स हैं वह इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि उनका जो नेट फील्ड होता है वह जीरो होता है जैसे देखें यह दिखाया गया है कि नो एक्सटर्नल फील्ड तो इसमें देखिए एक डोमेन ये बना है इधर है ये डोमेन इसका इधर है ये डोमेन में ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है इसमें आप देख रहे हैं इधर है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये एक दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस तरह से जब इस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई गई है तो क्या हुआ टोटल जो नेट फील्ड है वह जीरो होगी अब देखिए सेकेंड फिगर में यहाँ पर वीक फील्ड लगाई गई है तो वीक फील्ड लगाई गई है इसका मतलब है कि जो डोमेन इस फील्ड की डायरेक्शन में थे उनका जो है ये साइज बढ़ जाएगा और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में थे उनका घट जाएगा तो अब देखें ये इसको कैंसिल तो कर देगा लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा इसका कम होगा तो यह इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा लेकिन जब वेरी स्ट्रांग फील्ड इस पर अप्लाई की जाती है तो सभी के सभी सभी के सभी डोमेन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं अर्थात यह सबके सब डोमेन जो है जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आ गए वेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड टू द मैग्नेटिक मोमेंट आप डोमेन

ट देक्शन ऑफ फील्ड आर इनक्रीज एंड बाउंड्रीज ऑफ डोमेन हैच ओरिएंटेम सेल्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आर डिक्रीज जैसा कि आप जो है आ, फिगर बी में जो वीक फील्ड लगाई गई उसमें आप देख रहे हैं इसी तरह से स्विंगिंग इफेक्ट तो स्विंगिंग इफेक्ट क्या है इफ अप लाइट फील्ड इज वेरी स्ट्रांग जब मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ही स्ट्रांग है डोमेंस स्टार्ट स्विंगिंग अराउंड सच दैट दे सेट इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड वो जो सभी के सभी डोमेन्स जो है जिनके मैग्नेटिक डायपोल जिधर भी थे सबके सब जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है उस फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है कि ऑल द डोमेन्स बिहेव एज मर्ज इन टू वन एन अदर यानी मिलाकर के वह एक ही डोमेन जो है पूरा बना लेते हैं और हेंस सब्सटेंस इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अच्छा एक चीज और देखें कि जब एक्सचेंज इंटरेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ डोमेन ये दोनों डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस पर अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो अरेंजमेंट है वह डिस्टर्ब होता है और सब्सटेंस जो है वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है वह उसको धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी को खोने लगता है इस तरह से एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टार्ट बिहेविंग एजान पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो इसे हम क्यूरी पॉइंट कहते हैं और उस टेम्परेचर को जो है क्यूरी टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं जैसे कि आयरन जो है आयरन का टेम्परेचर अगर 1000 हजार केलविन तक बढ़ा दिया जाए तो यह फेरोमैग्नेटिक से पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरह से जो है बिहेव करने लगता है अब फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी जो है दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं जो कि एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है यह जब मैग्नेटाइज हो जाते हैं तो आसानी से जो है डीमैग्नेटाइज नहीं होते मतलब जल्दी नहीं होते हैं लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो मैग्नेटाइज भी जल्दी होते हैं और जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड हटा देते हैं वैसे ही वह डीमैग्नेटाइज होते हैं तो ये साफ्ट आयरन के होते हैं